नमस्कार, सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं ही विनोद जूनियर खबर है। कुछ खास खबरें देखते हैं फटाफट में। अयोध्या सरयू नदी में हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 लोग नामनेर के हैं। देवेंद्र अग्रवाल की पत्नी और बेटा बेटी की हादसे में मौत हो गई। देवेंद्र अग्रवाल का संसार उजड़ गया, यही वजह थी कि नामनेर में मातम छाया हुआ है। थाना इदारत नगर डूंडीपुरा खेड़िया में कैनरा बैंक और एटीएम भगवान भरोसे है। पूर्व में भी कैनरा बैंक में लूट हो चुकी है, इसके बावजूद कोई गार्ड एटीएम पर तैनात नहीं था, जबकि एटीएम और बैंक सुनसान इलाके में है। थाना सदर आगरा कैंट स्टेशन रोड स्थित श्रीराम चौक पर अक्सर हादसे होते हैं। दरअसल चौराहा उचित स्थान पर नहीं बना है, जिसके चलते हादसे होते हैं। कई लोगों की जाने भी जा चुकी हैं। थाना सदर नैनाना ब्राह्मण में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की वारदात को चोरों ने उस समय अंजाम दिया जब घर के लोग घर में ही सो रहे थे। शहर के व्यस्तम चौराहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत दी गई है, फिर भी ऑटोमोबाइल सवारियों के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। भगवानटांगी चौराहे पर सिटी बसों के आगे पीछे ऑटो मयूरी खड़े होने से हादसा होने का संकट बना रहता है। विरोध करने पर जिंदरम के अधिकारी कर्मचारियों की मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी साइबर अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हरिप्रभा थाना क्षेत्र में रहने वाले पेंटर के एटीएम से छात्रों ने 27,000 रुपए पार कर दिए। हरिप्रभा क्षेत्र का रहने वाला पेंटर अशोक कुमार ने बैंक में पासबुक में एंट्री कराई, इस दौरान जानकारी होने पर पेंटर की हवाइयां उड़ गई। समन में थाने में तहरीर दे दी गई है। थाना न्यू आगरा अशोपा तिराहे के पास नवनिर्मित मकान में रखे केमिकल में आग लग गई। आग बुझाने के चलते 3 लोगों को करंट भी लग गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अशोपा तिराहे के पास नवनिर्मित मकान में रखे केमिकल में आग लगने के मामले में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गर्मी के बाद तारनगरी में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश होने पर जगह जगह जलभराव रहा। कई घंटों बाद सड़कों से पानी खाली हुआ। सरयू नदी में नहाते वक्त डूबने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। 8 जनों के शव पुलिस ने परिवार के सुपुर्द कर दिए हैं। बच्चे सार्थक की तलाश अभी भी जारी है। श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन करने गए परिवार काल के गाल में समा गया। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि सर्पदंश सांप के काटने से अगर मौत हो 4,00,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।